सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइकिंग माय यूट्यूब वीडियोस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आ जाएगी प्रियांशु व्लॉग्स लाइव अपलोडेड अ न्यू वीडियो। तो थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली वो दिन आ गया है। प्रोजेक्ट 2021 का नेम लॉन्च है और बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये प्रोजेक्ट 2021 है क्या, उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने फेलो यूट्यूबर्स को जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुझे वेल विशेस की और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ वीडियोस भी बनाई। मैंने कई बहुत ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों के साथ कोलैब भी किया है, वर्चुअली किया है, फिजिकली किया है, और कुछ लोगों के साथ नहीं किया लेकिन उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। सो सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो कुछ फेलो यूट्यूबर्स ने अपना स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस बताया है। तो ये प्रोजेक्ट 2021 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब मैं कनाडा आया तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका कोई सोल्यूशन बनाया जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई, सोचा कैसे करना है, क्या करना है। फंडिंग की प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बट वर्थ है वो चीज़। अगर किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है वो वर्थ चीज़ है, ठीक है। तो मेरे फेलो यूट्यूबर्स अभी आपके सामने आएंगे, अपना स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे, उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। कईयों का एक्सपीरियंस बहुत कम है, मिनट का है, क्योंकि मैं चाहता था वीडियो लंबी ना खींचे लेकिन खींच रही है। उन्होंने कहा कि हम अपना एक्सपीरियंस एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनका एक्सपीरियंस सुनिएगा, फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस सुनिएगा। तो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को जरूर सपोर्ट करिएगा उन्हें सब्सक्राइब करके। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो जो यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं उन्हें पॉजिटिव कमेंट करिएगा उनकी प्रोफाइल में जाके, और उनकी वीडियो को लाइक करिएगा। तो ये होगी बात एक्सपीरियंस की। तो ये रहे आपके सामने आपके यूट्यूबर्स जो आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। Hi guys, how are you all? I hope you guys are fine. My name is Vishal. It's been more than 3 years. I'm in Canada now. And इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस भी किए हैं। अब जिनका यहाँ पे कोई नहीं होता, पहले से कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं है, उनके लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड होना, लैंड होने के बाद कहाँ जाना, कैसे जाना, कैसे घर ढूंढना, कैसे जॉब ढूंढना, कैसे स्टडी और जॉब को हैंडल करना, खाने का बंदोबस्त कैसे करना, वो सारी जो मेंटल प्रेशर की गेम होती है ना, उन चीज़ में से तो हर किसी को अपने तरह से मतलब बाहर निकलना ही पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सारी चीज़ों की हम डिटेल में बात नहीं करते। बाकी जो मैंने एक प्रॉब्लम मैंने जो देखा था सबसे बड़ा, उसकी मैं बात करता हूँ। अब जब मैं जहाँ पर भी रह रहा था, जब मैं तो पहले 3 महीने में इतने बेडबग्स आ चुके थे, तो लीज़ होल्डर ने लीज़ ही एंड कर दी बिना किसी को बताए हुए। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स मतलब अकेले पड़ गए थे, कुछ रहने का नहीं था। तो हमने कहीं और जाके अपार्टमेंट में लीज साइन की, तो उन दिनों के बीच में 15 दिन का अंदर था। तो वो 15 दिन में कोई घर नहीं था, कोई जानता नहीं था। एक बैग कहीं कोई एक फ्रेंड के घर पे रख दी, दूसरी बैग दूसरे फ्रेंड के घर पे रख दी, वहाँ पे भी रहने के लिए नहीं था। तो हम कॉलेज में जाके सोते थे और कहीं बाहर सो लिया, कुछ भी कर लिया, वॉशरूम जाना है, ये जाना है, तो वो टिम हॉर्टन्स में मैकडोनल्ड में जाए। तो वो जो 15 दिन था ना, वो बहुत ख़राब थे, बिना खाए हुए बिना घर के निकले हैं। उसके बाद भी हम जिस अपार्टमेंट में गए थे, वो जब उन्होंने दिखाया था बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये लोग स्टीम वैक्यूम करके रखते हैं। तो पहले 2 महीने तो कुछ नहीं आया था, फिर 3रे महीने से जब गर्मी शुरू हुई तब जाके मतलब बेडबग्स फिर से निकलने लगे बाहर। तो जो पूरा साल का जो लिस्ट था ना, तो उन पूरे साल में हमने क्या किया कि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी ट्यूजडे एंड वेनसडे को। तो सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक कॉलेज में असाइनमेंट्स किए, उसके बाद में 11 से 7 बजे की शिफ्ट, फिर से सुबह 8 बजे से कॉलेज, 8 बजे कभी कभी एग्ज़ाम भी होती थी। तो 3 दिन मतलब पूरी रात सोए बिना निकालते थे। और वीक में जो 50 या 60 घंटे वीक में ऐसे होते थे कि मैं सोता ही नहीं था, मतलब पूरी आँख ऐसे ही मतलब रखता था, सोता ही नहीं था बिल्कुल भी। और जब
रेस्ट ऑफ द मतलब जो डेज रहे उसमें तो बेडबक्स होते थे, तो वो 4 बजे सोते थे बेडबक्स, तो उसके बाद में सोता था और 2 घंटे सो जाता था, फिर वापस कॉलेज जाता था। तो वो जो मेरी स्टडी के जो जो टाइम रहा है ना वो बहुत ही ख़राब रहा है। उसके बाद जब मतलब स्टडी ख़त्म होती है, लोग स्प्लिट होने लगते हैं, जहाँ पर जैसे जिसको जैसे जॉब मिलती है ऐसे, तो उस टाइम पर मेरा ऐसा था कि एक हालात ऐसे आ गए थे कि घर ही नहीं था। तो 2 दिन के लिए मैं गाड़ी में, उस टाइम पे मेरे पास लकीली गाड़ी थी, तो मैंने विंटर का टाइम था तो मैंने हीटर ऑन करके मतलब 2 दिन मतलब पूरी मैंने गाड़ी में भी गुजारी है। तो ऐसे भी दिन देखे, तो प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे, पर आप घबराओ मत, उस प्रॉब्लम में से मतलब फेस करो, बाहर निकलो। बाकी आप तो प्रियांशु भाई इतनी हेल्प भी कर रहे हो और उतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी और इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ठीक है, दैट्स इट। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 साल मेरे कनाडा में कैसे गए। 2 साल मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं सितंबर फर्स्ट वीक, अगस्त लास्ट वीक में आया था कनाडा में 2018 में। और उसके बाद मेरी 2 साल की स्टडीज़ थी, 2 साल की स्टडीज़ करने के बाद अब फाइनली आई एम फ्री एंड आई एम ऑन वर्क परमिट राइट नाउ। अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो सारी जर्नी के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ और कैसे अब मैं वर्क परमिट पे आके एक जॉब कर रहा हूँ एंड आई वॉज स्टडिंग बिफोर। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार, स्टार्टिंग में मैं अपने रिलेटिव, अपने मामा जी के साथ रहता था ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, जो कि एक ग्रोइंग पीरियड होता है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बस में कैसे ट्रैवल करते हैं, टिम हॉर्टन्स क्या होता है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें, ग्रॉसरीज कैसे होती है, रेंट कैसे होता है, लॉस क्या क्या कहते हैं, लॉस क्या नहीं करने हैं, क्या क्या चीज़ तुम्हें दिक्कत दे सकती है। तो वो सारी चीज़ें सीखी पहले 3 महीने। देन आई मूव्ड इनटू माय फर्स्ट न्यू हाउस विच वाज अ रेंटेड प्लेस। मैंने बेसमेंट में एक जगह देखी, क्योंकि बेसमेंट्स कनाडा में काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इन अ हाउस। आई रेंटेड अ बेसमेंट, उसमें मैंने एक रूम रेंट किया एंड आई वॉज लिविंग बाय माई ओन। आई यूज़ टू कुक माई मील, सब कुछ करना, उठना टाइम से, कॉलेज जाना, सब कुछ मेरे को खुद करना होता था एंड आई वॉज अलोन, लाइक मैं बिल्कुल अकेला था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना अकेलापन फील हुआ बहुत ज़्यादा। कई बारी कई जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन भी फील करते हैं उससे, बट यू हैव टू थिंक कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। वो 1 साल जो है स्टार्टिंग का आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, आपको अकेले भी रहना पड़ेगा, आपके पास पैसे भी हो सकता है ना हो, और आपके पास सर्विसेज और यूटिलिटीज़ वगैरह तो बहुत ही कम होंगी, आपके पास कार नहीं होगी, आपके पास हो सकता है फ़ोन भी आपका बिल्कुल वैसा वाला प्लान हो जिसमें आपको डाटा ना चलता हो, और बहुत सारी चीज़ें आपके पास फैसिलिटीज़ ना हो। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ होता है फर्स्ट ईयर जो होता है। और फर्स्ट ईयर के बाद जब आप कुछ अर्न करने लग जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, या फिर आप जब फर्स्ट जॉब करते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि कैसे कैसे यू कैन स्पेंड योर मनी एंड हाउ कैन यू फैसिलिटेट योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बना सकते हो। मेरे साथ एक टाइम ऐसा आया था जब आई वॉज रियली लो ऑन माई मनी, आई वॉजन हैविंग दैट मच ऑफ मनी ऑन इन माई पॉकेट, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी उस टाइम। बस पासेस खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, या फिर होते थे, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं भी करना चाहता, बट ऐसी सिचुएशन आती है जब आप बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे भी मिले कि भाई मेरे को तो इंडिया वापस जाना है और मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, आई डोंट लाइक दिस प्लेस, बिकॉज इंडिया में वो रहते थे शान और शौकत से गाड़ियों में घूमना फिरना मौज लेना, और यहाँ पर उनको बसों में धक्के खाने पड़ रहे हैं ठंड में, -40 डिग्रीज में वो जा रहे हैं। कई बारी बच्चों के जूते गीले हो जाते थे और वो फिर भी घंटा घंटा डेढ़ दो घंटे अपना घूमना फिरना उनका चलता रहता था, घूमना फिरना भी नहीं, ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो मजबूरी में ही काम करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, पर कई जो है उन कईयों की हालत ख़राब हो जाती है, कई वापस चले जाते हैं, और कई जो है टफ़ फाइट करते हैं उससे, और जो फाइट करते हैं वो यार वर्क परमिट पे आके थोड़ा सा अपना अपनी लाइफ को बेटर कर लेते हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है उनकी लाइफ। सो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग व्हाट वी ऑल स्टूडेंट्स गो थ्रू। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स वो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी ख़राब हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि आई वॉज़ इन माई सेकेंड ईयर, और हमारा ग्रुप बनते थे, और ग्रुप में एक लड़की थी,
हालांकि हमारी दोस्त थी बट वी डिडंट वांट टू मेक अ ग्रुप विद देम विद हर, और हमने उसको बोला कि या तो आप ग्रुप से चले जाओ या फिर हम तीन ग्रुप से चले जाते हैं, तो प्रीटी मच सेम थिंग थी कि हम उसको ग्रुप से बाहर निकालना चाहते थे। एंड उसका क्या हुआ कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाके हम तीनों को, जो हम हमारा तीन का ग्रुप था और हम काफ़ी अच्छे बढ़िया यारी थे, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी और की इंटरफेरेंस हो, क्योंकि कोई सबसे कम काम करे और उसके बाद सबसे ज़्यादा रूप जमाए वो हमें चाहिए नहीं, और हमने उसको निकाल के बाहर फेंका। और फिर कुछ लोग आए हमारे पास, चार पांच लोग मिल के आए कि हम तो तुम्हें मारने पीटने ये करने आए हैं, और वो इंडियन ही थे, मैं ये नहीं बोलूँगा कहाँ के थे, दिल्ली के थे, पंजाब के थे, कहाँ के थे, बट दे वर इंडियंस। और मैंने उनको यार लिटरली उनसे मैंने बहुत देर बात करी कि भाई लड़ाइयों में क्या रखा है, तुम यहाँ कैनेडा आए हो, अपनी लाइफ बनाने आए हो, तुम्हें ग्रुप में रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, अपना काम करो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट समथिंग एल्स, वरी अबाउट मी और समथिंग लाइक जो आपको दिक्कत दे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता यार, अपने काम से काम रखते हैं सब, अपने दोस्त बनते हैं जो वो लॉन्ग टर्म दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं और वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, पर अगर किसी को काम से मतलब है और वो काम नहीं हो रहा, देन दे विल किक यू आउट एज सून एज दे कैन। और वैसे ही उस लड़की के साथ भी हुआ, हमारा कोई भी काम उससे नहीं चल रहा था, ना हमारा ग्रुप वर्क हो रहा, ना हमारा पढ़ाइयाँ हो रही, तो हमने बोला थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और उसको इस चीज़ पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, बट स्टिल इट्स फाइन। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, एंड नाउ आई एम ऑन वर्क परमिट। नेक्स्ट वीडियो वर्क परमिट के बारे में आने वाली है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए और किस चीज़ के बारे में आपको जानना है। एंड मैंने अपना वर्क परमिट खुद अपने आप अप्लाई किया, किसी एजेंट से किसी से अप्लाई नहीं किया, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अप्लाई योर वर्क परमिट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज थ्रू इन ऑल दो सिचुएशंस व्हेन यू आर अप्लाइंग योर वर्क परमिट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके क्या सुझाव हैं, और शेयर करना ज़रूर वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे कनेक्टेड, स्टे लव। ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਬ ਜੰਡੂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸੀਗੇ, ਚੈਲੇਂਜਸ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਵੈਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੜੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਬ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਥਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ, ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਯਾਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਕਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜਿਨਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਨਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਜਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਰਾਈਟ? ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਿਨਕੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਤੋ ਸਬਸੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਨਕੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੋ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇੱਕ ਵੋ ਇਸ਼ੂ ਆਤਾ ਮੇਨ ਜਬ ਨਿਆ ਨਿਆ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋਬਸ, ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਥੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸ਼ੂ ਆਤਾ, ਮਤਲਬ ਯੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਨਏ ਨਏ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਗਰ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਹੋਮੀਜ਼, ਇਟਸ ਯੂ ਬੋਏ ਹਾਰਦਿਕ। ਤੋ ਭਾਈ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਆ ਫੇਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਂ ਕਿਆ ਥਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੈਂਡ ਹੁਆ ਥਾ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁਝੇ ਇਹ ਲਗਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਿੱਕ ਕਰਨੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ
उबर और लिफ्ट मेरे पास थी नहीं और मेरे पे इंडिया क्रेडिट कार्ड से चलती नहीं थी, तो मैंने एक प्राइवेट कैब कराई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने का झंझट, मतलब वो भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। पार्ट टाइम जॉब्स की थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, रूममेट्स के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, और जिसको खाना बनाने आता है उनको टिफिन सर्विस लगानी पड़ती है या फिर वो अच्छे से कुक नहीं कर पाते तो उनको वो प्रॉब्लम आती है। एंड अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है यहाँ, जॉब की प्रॉब्लम, पढ़ाई की टेंशन, असाइनमेंट्स की, हर चीज की। सो प्रॉब्लम्स भी है सब, और अच्छा भी है, जर्नी अच्छी भी है। तो बस यही था यार अभी तक का सफर, और अभी आगे भी चल रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशु, बहुत बहुत मुबारक हो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम जो एक नया इंटरनेशनल स्टूडेंट जब लैंड करेगा इस पूरे पैंडमिक के टाइम पे, तो उसको क्या क्या आएंगी। दी वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर गोना फेस इज, एक तो हमारे को अपना देखना है एयरबीएनबी, हमारे को क्वारंटीन प्लान अपना लेके चलना है, तो हमारे को भी एयरबीएनबी टाइप चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एंड हमारे को इंडिया से पहले बुक करना पड़ेगा वो, तो प्रॉपर ऑफर्स, चीप एयरबीएनबी हमें कैसे मिलेगा, एंड सही जगह पे हमें एयरबीएनबी, ये सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी हमारे। दूसरी चीज़ कि हमारे को एयरपोर्ट से एयरबीएनबी तक कैसे जाना है, मतलब कैब फैसिलिटी वगैरह, ये सब चीज़ें भी हमारे को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हर किसी का जान पहचान वाला तो होता है नहीं। एयरबीएनबी हमारे को खाली करने से पहले पहले हमें हमारा अकोमोडेशन ढूंढना है, और साथ साथ जॉब्स वगैरह भी देखनी है, ऑनलाइन ही भले ही हम अप्लाई वगैरह कर दें। सो इनिशियली हमारे ये वाला स्ट्रगल जो है अभी हमारे को फेस करना पड़ेगा। मी बीइंग अ जनवरी 2021 स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो कि अभी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम वैसे भी होगा, जॉब मार्केट भी थोड़ी कम होगी, तो हर एक चीज़ कंसिडरेशन में लेनी होगी। थैंक यू। तो आई होप आपको ये यूट्यूबर्स का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। तो मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने अपना ही बता चुका हूँ स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ समरी में कि जब मैं कनाडा आया था, मेरा कोई नहीं था यहाँ पे कनाडा में, कोई रिलेटिव, कोई नहीं मुझे जानता था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की, दिलप्रीत को मैं हमेशा थैंक यू कहूँगा यार। दिलप्रीत, जब सिटीजन भी हो जाऊँ, पीआर भी हो जाऊँ, जिस मुकाम पे पहुँच जाऊँ, लेकिन इंसान को अपना पहला दिन कभी नहीं भूलना चाहिए कि पहले दिन उसको किसने मदद की थी। तो दिलप्रीत ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो सबसे पहले मैं दिलप्रीत को थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा, और ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी फ्रेंड मिली है। तो अभी बातचीत इसलिए नहीं होती, बिजी शेड्यूल है, लेकिन अगर वो वीडियो देख रही है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच दिलप्रीत इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तो मुझे और पीयूष को अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, हमें 15 से 20 दिन हो गए थे अकोमोडेशन ढूंढते हुए। अकोमोडेशन मिली, फिर उसके बाद कई बार जो पिक्चर में दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। अकोमोडेशन हमें बहुत मुश्किल से मिली, उसके बाद मुझे 3 या 4 महीने तक जॉब नहीं मिली, मैं ढूंढता रहा किचनर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों नहीं मिली, मुझे कोई रीज़न नहीं पता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं थी जिसको मैं ज्वाइन करता, हम सारे न्यू थे, कोई मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं थी जो हेल्प कर दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब, राइड शेयर क्या होता है कि इधर से उधर जाना, जिसके पास कार है उसको ऊबर से सस्ती पड़ती है राइड शेयर, तो वो कर देना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। तो फिर मैंने ना फेस की प्रॉब्लम, और मैंने एक चीज़ सीखा, मेरी मम्मी ने सिखाया कि अगर तुम्हें ठोकर लगती है किसी पत्थर से, कोई पत्थर गिरा है उससे तुम्हें ठोकर लगती है, तो वो पत्थर तुम्हें साइड कर देना चाहिए ताकि आने वाले लोग हैं वो गिरे ना, उन्हें ठोकर ना लगे। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है आपके लिए, आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं उसका नेम रिवील करने वाला हूँ, तो प्रोजेक्ट 2021 का नेम रिवील करने वाला हूँ सिर्फ 5 सेकेंड में, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्रोजेक्ट 2021 का नेम है आई स्टूडेंट द वॉइस ऑफ द फ्यूचर, द साउंड ऑफ द फ्यूचर। तो आई स्टूडेंट एप्लीकेशन नाम है प्रोजेक्ट 2021 का, आप उसका लोगो देख सकते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ इसका नाम बताते हुए कि आई स्टूडेंट मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी झलक दिखला दूँ आपको इसके फीचर्स में दिखा देता हूँ। ये जनवरी को लॉन्च होने वाली है,
तो इसके आपको फीचर्स बताने जा रहा हूँ। ये अभी गूगल प्ले स्टोर पे ही होगी क्योंकि iOS का थोड़ा सा महंगा था, तो मेरी तरफ से जितना हो सके उतना किया था मैंने। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पार्ट टाइम जॉब का सेक्शन खोला हुआ है, तो इसमें तीन पार्ट हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, अकोमोडेशन, राइड शेयर। तो पार्ट टाइम जॉब्स में क्या है, आप कनाडा में कहीं भी हो, यहाँ पे आपने सर्च करनी है अपनी, कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स लिखोगे और यहाँ पे आप फिल्टर लगाओगे। जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पार्ट टाइम जॉब्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं जॉब, उन्हें जॉब मिल जाएगी क्योंकि उनके एरिया में ही ये एप्लीकेशन उनके एरिया से ही सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करेगी और आपको डिस्प्ले कर देगी। तो सेकंड चीज़ है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो फिर अकोमोडेशन आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो किजीजी एप्लीकेशन तो है लेकिन आई स्टूडेंट एप्लीकेशन सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, पीआर के लिए जो वर्क परमिट पे है, अपनी कम्युनिटी के लिए है जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। कोई किजीजी पे तो साइकिल ऐसी चीज़ें बिकती हैं लेकिन आई स्टूडेंट पे सिर्फ काम की चीज़ होगी, अकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब एंड राइड शेयर। और राइड शेयर की मैं बात करूँ तो राइड शेयर एक ऐसी फीचर है जो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो राइड शेयर में क्या होगा कि राइड शेयर में जिसके पास एग्जिस्टिंग कार है, तो राइड शेयर में जिसके पास एग्जिस्टिंग कार है वो राइट्स दे सकेगा अपने एरिया में। तो जब वो राइट्स दे सकेगा अपने एरिया में, इसका मतलब क्या है, वो अपनी जॉब पोस्टिंग मतलब राइट पोस्टिंग करेगा। कि जैसे अगर मैं स्कारबरो में हूँ तो स्कारबरो से मुझे ब्रैम्पटन जाना है, मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पोस्ट कर दूंगा भैया मुझे ब्रैम्पटन जाना है, तो जिसने आना है तो वो कांटेक्ट कर ले, मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा। और सेकंड पर्सन है जिसने स्कारबरो टू ब्रैम्पटन जाना है, वो आई स्टूडेंट पे देखेगा, लॉग इन करेगा और राइड शेयर पे सर्च करेगा कि भैया ब्रैम्पटन वाली कोई राइड है कि नहीं है। तो लोग ब्रैम्पटन वो सर्च करेंगे कि ब्रैम्पटन में है कि नहीं, तो फिर उसको मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा कि मुझे जाना है इतने टाइम पे, वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा। तो इससे ये होगा कि आपको राइड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको ऊबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एप्लीकेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगी और मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि फाइनली कुछ किया है मैंने। और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मुश्किल था ये सफ़र और एप्लीकेशन बनाना, उसके बारे में सोचना। और जैन के मिड में ये लॉन्च होगी, जनवरी को अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाली है। और गूगल प्ले स्टोर पे ही अभी अवेलेबल है, iOS पे तभी काम करूँगा जब थोड़ी फंडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो और ये इसका बीटा वर्जन आएगा ताकि मैं आप लोगों से फीडबैक ले सकूं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और तो और इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी भी है जिसमें हर इनटेक के, हर प्रोविंस के इनटेक को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जैन इनटेक में आ रहे हो ओंटारियो के अंदर तो उसका आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नोवा स्कोशिया आ रहे हो, जैन इनटेक, सितंबर इनटेक, कोई भी इनटेक में आप उसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक प्रोविंस के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाओगे और डेफिनेटली आपको अपना रूममेट या क्लासमेट या कॉलेज मेट डेफिनेटली मिल जाएगा। सो फाइनली ये एप्लीकेशन का नेम लॉन्च हो चुका है, तो अब ये एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है जैन के मिड में। तो डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छी लगी आई स्टूडेंट, तो डेफिनेटली हैशटैग आई स्टूडेंट ऐप आप ट्रेंडिंग में कर सकते हो, ट्विटर में आप ट्वीट कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो आई स्टूडेंट को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में दे दूंगा, अगर पहले दे दिया तो लोग रीड कर लेंगे। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ इसका इंस्टाग्राम अकाउंट। आप इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है i_student_app, ट्विटर पर भी यही है i_student_app। तो आप डेफिनेटली हमें फॉलो करें और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। सीरियसली फीलिंग ओवरवेल्म्ड, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ। और थैंक यू सो मच टू ऑल यूट्यूबर्स जिन्होंने मुझे हेल्प की,
वो यूट्यूबर्स बाद में आए, पहले वो मेरे भाई जैसे मेरे फ्रेंड है, मेरे नून है, मेरे कोलीग्स हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उनका भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उन्हें सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उनके सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आपको ये प्रीमियर बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा प्रीमियर तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। फाइनली प्रोजेक्ट 2021 का नेम अनाउंस हो चुका है, सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।